हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं वांगशिन फैन मशीनिंग का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, बट उससे पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो आजकल मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हेटरेट कमेंट्स कर रहे हैं कि ये जो मैं फैन फिक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऐसी कोई स्टोरी है ही नहीं, ये सब क्या है, मैं स्टोरी लाइन को ख़राब कर रही हूँ। बट लिटरली मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक फ़ैन फिक्शन है। ये मतलब कि जो आपने रियल ड्रामा जो देखा हुआ है ये उसकी स्टोरी नहीं है, ये एक फ़ैन फिक्शन है। मतलब कि फिक्शन किया हुआ है, स्टोरी बनाई हुई है वांगजी और व्यंग के लव को लेकर, उनकी स्टोरी मतलब कि अपने मन से लिखी हुई स्टोरी है। ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कोई ड्रामा में दिखाई गई है आपको, ये जो आप लिंक करोगे और ये कहोगे कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, आप अपने तरफ से बता रहे हो, ये एक फिक्शन है, मैं क्लियरली बता रही हूँ। और प्लीज़ गाइस, वही लोग इस वीडियो को देखिए जो कि वांगशिन को देखना पसंद करते हैं, जिन्हें ऐसे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं। अगर आप लोगों को ये कंटेंट नहीं अच्छा लगता, वांगशिन की लव स्टोरी आपको नहीं अच्छी लगती, तो प्लीज़ आप मत देखिए। कोई आपको फोर्स तो नहीं कर रहा देखने के लिए, बट किसी को ऐसे हेटरेड कमेंट्स करना कि ये तो स्टोरी नहीं है या जो भी है गलत एक्सप्लेन कर रही हो, ये तो डीमोटिवेट करना हो गया ना किसी को। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है वांगशिन, आप वांगशिन फैमिली हो तो आप देखो, अगर आप नहीं हो तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, आप उनको जाके देखो। बट किसी को ऐसे डीमोटिवेट करना अच्छी बात नहीं होती है। मैं जो फैन फिक्शन लेके आती हूँ पहले इसे पढ़ना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर उसकी वीडियो बनानी पड़ती है, फिर डालना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि गाइस जो एक कमेंट्स को छोड़ कर जो बाकी लोग हैं वो मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, उनके जो मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कई लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और बस एक दो कमेंट्स से उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट फिर भी मुझे लगा कि मैं कुछ बोलूँ इसको लेकर, अपने थॉट्स रखूँ, तो मैंने आज रखा। और मैं ये भी कहना चाहूँगी प्लीज़ गाइस कमेंट्स करते रहिए, पर जो अच्छे लोग हैं वो कमेंट्स करिए, जिनको इस स्टोरी नहीं अच्छी लगती वो प्लीज़ मत देखिए। तो सॉरी कि आज का मैंने कुछ इंट्रो में कुछ ज़्यादा बोल दिया, बट मुझे लगा कि ये बातें भी बोलनी ज़रूरी है। तो आज का पार्ट मैं स्टार्ट करती हूँ और उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। तो हमने देखा था कि जो वांगजी और व्यंग होते हैं वो दोनों के मतलब कुछ गलत फहमियाँ हो गई होती हैं, इसके कारण जो वांगजी होता है उसको ऐसा लगता है कि जो व्यंग है वो मतलब कि किसी और के साथ लव करता है, तो इसलिए जो वांगजी होता है वो उसको नहीं रोकता जाने से पहले। और व्यंग को ये बात बहुत दुख लगता है कि वांगजी उसको रोकने के लिए एक बार नहीं आया, उसने उसे कुछ नहीं कहा और व्यंग कहीं ना कहीं वांगजी को लव करने लग गया होता है। और ये बात उसको ही पता लग गई होती है क्योंकि जब से वो जैन शेड वापस आया था उसने अपना कमरे में बंद कर लिया था, उसने काफ़ी ड्रिंक की थी और जिसके कारण उसको ऐसा लगने लग गया था कि उसको ऐसा एहसास होने लगा था उसके दिल में किसी चीज़ की कमी है, और उसको ऐसा लगने लगा था कि वो मतलब कि वो है ही नहीं जो अपने आप को समझ रहा है, वो कुछ और है, उसकी रियलिटी कुछ और है, क्योंकि वो वांगजी को डीपली चाहता था अपने हार्ट से, उसके मन बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी वांगजी के लिए, बट वो वांगजी को नहीं कह सकता था क्योंकि उसको ऐसा लगता कि जो वांगजी है वो बहुत मतलब कि हाईली मतलब उसकी बहुत इज्जत है और वो एक मतलब कि एक बीटा को कैसे पसंद कर सकता है, क्योंकि उससे तो एक ब्यूटीफुल ओमेगा के साथ होना चाहिए जो उसे एक नेक्स्ट हायर दे सके उस सेट के लिए। और जो उसको लगता था कि व्यंग एक बीटा है और उसके लायक नहीं है, इसलिए उसने अपने आप को रोक रखा था, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा के रखा था, और इसलिए जैन सेक्ट आ गया था एक दिन के लिए, सोचा था कि अब वो एक दो दिन के बाद अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के बाद ही गुसु जैन सेक्ट जाएगा और इस बात को इग्नोर करेगा और वांगजी का शो करेगा, कुछ हुआ ही नहीं था, और ऐसा ट्राई करेगा कि वो वांगजी कम से कम मिले और अपने इंट्रैक्शन को कम करें ताकि उसके जो अंदर की फीलिंग्स हैं वो वांगजी को शो ना हो। और वो ऐसा ही करता है, वो दो तीन दिन गुस्सू में निकाल मतलब कि अपने जैन सेक्ट में निकालता है, और इन दिनों में वो अपना ज़्यादातर टाइम जनशा के साथ बिताता और वो सिटीज़ में घूमता और ऐसी वो ड्रिंक वगैरह करता। तो एक दिन वो क्या करता है कि वो सिटी में बाहर निकल जाता है घूमने के लिए, और जब वो घूम रहा होता है तो उसको सिटी में नी हुसैन मिलता है और नी हुसैन को देख के बहुत खुश होता है और जाके उसको हग कर लेता है, और नी हुसैन से पूछता है कि तुम अब तक गुस्सू वापस क्यों नहीं आए हो। जो जेवू जुन है वो भी काफ़ी परेशान हो रहे थे कि 3-4 दिन हो गए और तुम रिटर्न नहीं आए हो तुम और जंक्शा, तो जो इस बात पर व्यंग है वो हल्की स्माइल करता हुआ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कहता है कि बस मुझे अपने फैमिली की थोड़ी याद सी आ रही थी तो इसलिए मैं आ गया, मैं कल रिटर्न आ जाऊँगा गुस्सू को। ये बस उनके न्यूज़ बहुत खुश होता है, कहता है कि अच्छा हो तुम आ जाओगे, मैं और मैम तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे, और कहता है कि जो लावन जी है वो भी मुझसे एक दो बार तुम्हारे बारे में पूछ चुका है कि व्यंग है वो किधर है कब आएगा, तो मैंने उसको बताया कि वो आ जाएगा, वो पता नहीं किधर है मुझे पता नहीं। तो इस बात पे व्यंग होता है वो चुप हो जाता है कि जो लावन जी है उसके बारे में पूछ रहा है, उसको उसकी फिक्र हो रही है, बट वो कुछ शो नहीं करता। नहीं हुसैन कहता है कि हाँ वो मेरा फ्रेंड है तो इसलिए उसको पूछना बनता है, वो कहता है कि मैं कल आ जाऊँगा
जान शखरा था, तो कहता कि नहीं, उसने कहता कि हाँ तुम ज़रूर आ जाना, मैं और मैम तुम्हारा वेट करेंगी। उसके बाद वो कहता है कि मैं कुछ यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह लेने आया था म्यांमा के लिए, क्योंकि उससे भूख लगी थी। उसने कहा था कि उसको कुछ डिफरेंट खाना है, क्योंकि जो गुसू का खाना है वो उसको अच्छा नहीं लगा। तो जो वेंग होता है कहता है कि हाँ हाँ चलो ठीक है। तो उसके बाद जो न्यूसन होता है वो वहाँ चला जाता है, और जो वेंग होता है वो भी उसको बो करके वापस आ जाता है। तो इस तरह से जो जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है, तो जो जनशा और वेंग होते हैं वो विदा लेते हैं जेनसेक्ट से, अपनी चीज़ें को अलविदा करते हैं, और वो लोग पहुँच जाते हैं गुसू में, जहाँ गुसू में उनका फिर से वेलकम होता है। और वो जाते हैं जेवजुन के पास और उनको बो करते हैं। वहाँ पे लेंजा भी खड़ा होता है, बट जो वेंग होता है वो उसको बो करता है, बट उसकी आंखों में देखता नहीं है। और जो वांगजी होता है वो बिना पलके झपकाए वेंग की तरफ ही देख रहा होता है कि वेंग कुछ रिएक्ट करेगा, उसको कुछ तो कहेगा, बट वेंग कुछ नहीं कहता। वो जेवजुन को बो करता है और वो कहता है कि वो यहाँ पर आ गया और अब यहीं पर रहेगा, ऐसे कह के वो चला जाता है बिना लंजा कुछ कहे, और लंजा वहीं पर खड़ा रहता है। और जेवजुन भी रिएक्ट कर रहे देख रहे होते हैं कि वेंग और वांगजी को जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि जो वेंग होता है नॉर्मली जब भी आता वो वांगजी से बातें करता था, उसके साथ मजाक करता, उसको छेड़ता था, परेशान करता था, बट इस बार उसमें साइलेंट था, उसने कुछ नहीं कहा। और इस बार जो वांगजी था वो काफ़ी अजीब निगाहों से वेंग की तरफ देख रहा था। तो जो जेवजुन होता थोड़ा शक सा होता कि बात क्या है, बट वो कुछ कहते नहीं है। जो वेंग होता है वो चला जाता है वहाँ, और जाके म्यांमा और न्यूसम से मिलता है। उससे कुछ समय बाद उनकी क्लास लगती है, और वहाँ पे जो उनके अंकल कुरैन होते हैं वेंग और उसके वांगजी के, वो वहाँ पे आते हैं और सभी जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको बो करते हैं। और उसके बाद वो उनको वहाँ पे लेक्चर देते हैं, और उसके बाद जेव जी उनको बुलाकर वो एक बात उनको कहते हैं धीरे से, और इस बात को कह के जो उनके अंकल होते हैं लंकुरैन वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उनको आगे भी कहीं काम होते हैं। तो जो जेवजुन होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स को ये बात कहते हैं कि हमें अब एक नए मिशन पे जाना होगा, और इस मिशन की जानकारी मैं आपको रास्ते में दूंगा, उम्मीद है आप इस मिशन पे सक्सेसफुल रहेंगे, और एक टास्क की तरह होगा, तो इसके लिए स्टूडेंट्स को चुना जाएगा, और जो स्टूडेंट्स मतलब कि उन्हें वर्थी लगेंगे वो उसको टास्क के लिए भेजेंगे। तो उसके लिए वो कहते हैं कि आपका कुछ टेस्ट वगैरह होगा, तो आप टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा आज। तो ये बस उनके सब बहुत एक्साइट हो जाते हैं, बट वेंग का कोई रिएक्शन नहीं होता, वो भी सिर हिलाता है। तो इस तरह से उनका टेस्ट जो होता है उसमें वो लोग तीरंदाजी और स्वॉर्ड फाइटिंग वगैरह के लेते हैं। तो वहाँ पे सभी को बुलाया जाता है, और जो वांगजी होता है वो तो नंबर वन का स्वॉर्ड फाइटर होता है, और जो वेंग होता है वो भी नंबर वन का फाइटर होता है। तो वो दोनों सेलेक्ट हो ही जाते हैं, बट वो दोनों दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ते। पता नहीं क्यों, पिछली बार जो वेंग था वो जब पहली बार वो गुसू आया था तो वो चढ़ चढ़ के वांगजी से लड़ना चाहता था, बट इस टाइम कुछ बिल्कुल डिफरेंट था। वेंग इस बार इग्नोर कर रहा था कि उसकी फाइट वांगजी के साथ हो, और ये बात सभी नोटिस करते हैं कि वेंग इग्नोर कर रहा है कि उसकी फाइट वांगजी के साथ हो, बल्कि वहाँ पे कितने जो स्टूडेंट होते हैं चाहते होते हैं कि इन दोनों बेस्ट फाइटर्स की फ़ाइट हो, बट वेंग होता है इसके लिए मना कर देता है, कहता है कि नहीं मुझे अभी फ़ाइट नहीं करनी। तो इस तरह से इस जो सिलेक्शन में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसमें लावणजी तो होगा ही होगा, वेंग होता है, जनशा, नी हुसैन हो जाते हैं, और उस मैम हो जाती हैं, ये सभी सेलेक्ट हो जाते हैं, और इन सभी को मिशन में भेजने के लिए तैयार किया जाता है, और इन सभी को गाइडेंस देने के लिए जेवजुन को रखा जाता है। और ये सभी वहाँ से निकलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग, तो आज की रात वो गुसू में बिताएंगे, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब निकलेंगे। और जिधर हमारा जरा वांगजी होता है वो कभी ना कभी मौका ढूंढ रहा था कि कब उसको मौका मिले और वेंग के साथ बात करें, और वो वेंग को उसकी रियलिटी बताना चाहता था कि वो एक ओमेगा है और उसको ऐसे नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि उसको पता नहीं कब उसकी हीट उसको हिट कर जाए, इवन कि उसके पास मेडिसिन भी नहीं है। तो वांगजी चाहता था कि वो वेंग के साथ रहे और उसको प्रोटेक्ट करे, और किसी टाइम अगर उसकी हीट आए तो वो उसका ख्याल रखे। वो उसका हमसफर बना जाता था, वो उसका अल्फा बन जाता था, वो उसका बॉन्ड मेट बन जाता था, जो कि वो ऑलरेडी है और वो बन चुका है उस नाइट के बाद से, बट फिर भी उसके दिल में कहीं ना कहीं कसर होती है कि जो वेंग है उसको प्यार करे, जो कि वेंग ऑलरेडी करता है, बट अभी कहीं से भी क्लैरिटी नहीं होती इन दोनों को, बट वो दोनों साइड से अपने करते होते हैं। तो वांगजी है उसका जो मेन मोटिव होता है इस मिशन पे जाने का, वो वेंग को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि ये मिशन कितना लंबा हो सकता है और इसमें कितना मतलब कि जोखिम हो सकता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब होता है तो वो सभी निकल जाते हैं अपने मिशन के लिए, सभी साथ में होते हैं। जो हमेशा की तरह जो वेंग होता है वो वांगजी के साथ चला करता था हमेशा किसी भी सफ़र पर, उसको परेशान करते, बट इस टाइम जो वेंग होता है वो नी हुसैन और म्यांमा का चल रहा होता है, और बाकी लोग पीछे होते हैं, और वांगजी बहुत पीछे होता है उससे, और वांगजी उसकी तरफ भी देख रहा होता है, बट वेंग होता है वो एक बार ही मुड़ के वांगजी को नहीं देखता है। वो लोग बातें करते हंसी मजाक करते हुए चलते जा रहे होते हैं अपने रास्ते में, और ऐसे ही अपना रास्ता बिता रहे होते हैं।
और वांगजी बिना कुछ कहे पीछे पे चल रहा होता है, बस एक मौके की तलाश में होता है कब उसको व्यंग अकेला मिले और वो उससे बातें कर सके, बट उसको अब तक ये मौका मिला नहीं हुआ था। और इससे चलते चलते ही वो एक सिटी में पहुँचते हैं, और अब मतलब कि नाइट का टाइम हो चुका होता है, और जो जेवजन होते हैं वो एक इन को बुक करने के चले जाते हैं, और बाकी सब लोग होते हैं वहाँ पर, वो बैठते हैं कुछ खाने के लिए, और वांगजी वहीं होता है। तो जो व्यंग होता है बहुत सारा फूड ऑर्डर करता है, और वो अपने लिए मतलब कि अल्कोहल भी ऑर्डर करता है क्योंकि उसको आदत होती है अल्कोहल पीने की, और अभी तो वो गुस्से में होता नहीं है तो वैसे ही करता है, और ढेर सारी अल्कोहल सब कुछ ऑर्डर कर रहा था। सभी लोग खूब खाना खाते हैं, और व्यंग जो मतलब बार बार ड्रिंक कर रहा होता है, वांगजी उसके सामने होता है और व्यंग उसके साथ नजरें नहीं मिला पा रहा होता है, और जब भी वो वांगजी को देख रहा होता है वो उसको इग्नोर करने के लिए बस ड्रिंक ही करी जा रहा होता है, ड्रिंक ही करी जा रहा होता है। बाकी लोग भी उसको मना करते हैं बट वो सुन नहीं रहा होता, और ये देख के जो वांगजी होता है उसको गुस्सा चढ़ता है। ऐसे ही व्यंग अपना नेक्स्ट कप उठा कर ड्रिंक करने लगता है, जो वांगजी होता है उसके हाथ से उस कप को छीनता है और वो खुद ड्रिंक कर जाता है एक बार में। और ये देख के सब हैरान हो जाते हैं कि जो वांगजी है उसने ड्रिंक की वो भी व्यंग के हाथ से छीन के, और ड्रिंक करते ही वांगजी जो होता है वो टेबल पर धड़ाम से गिर जाता है। और तो इसी के साथ मैं इस पार्ट को एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या वांगजी व्यंग को उसकी रियलिटी बता पाएगा, और क्या होता है जो उनका जो मिशन है वो कौन सा मिशन है, और उसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज़।